अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक और वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। ये वीडियो अभी अभी यूट्यूब पर देखी है और एक भारतीय जो यूटिलिटी स्टोर का ओनर है वो भारतीय है, और ये मेरे ख्याल से अमेरिका में ये यूटिलिटी स्टोर है, और वहाँ पर एक चोरी की वारदात हुई है और इस ओनर ने इस चोर को पकड़ा है और फिर पुलिस को कॉल की है। और पुलिस को कॉल करने के दौरान इसने चोर से पूछा कि तुमने क्यों ये चोरी की, तो उसने कहा कि मैं और मेरा भाई हम दोनों भूखे हैं और भूख की वजह से हमने ये चोरी की। तो इसने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए इस चोर को कहा कि ये चीज़ें खाने की नहीं है और मैं तुम्हें बर्गर देता हूँ और इसके साथ कुछ पिज़्ज़ा और बेकरी वगैरह उसे दे देते हैं। तो ये भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था इस ये, और ये वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल गई है और कई मिलियन लोगों ने इसे देखा था। जो इस यूटिलिटी स्टोर का ओनर है, जो एक भारतीय शहरी है, उसने ये कहा है अगर मैं इस चोर को पुलिस के हवाले कर देता तो ये इसको कोई फ़ायदा न देता, बल्कि वो उसे वहाँ पर मारते या उसे वहाँ पर सजा देते और ये इसके मसले का हल नहीं था। तो मैंने मामूली सा कुछ देकर इसे अच्छा करने का एहसास दिलाया है। तो सलूट है इस भाई को, और मैं जानता हूँ बहुत सारे पाकिस्तानी कहेंगे कि इसके बारे में क्यों वीडियो बनाई, लेकिन हम सब इंसान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम सब में दिल रखा है और ये अच्छे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय और पाकिस्तानी एक दूसरे से इतना मतलब कि नफरत नहीं करते जितना हम दोनों ममालिक की मीडिया हमारे माबेन ये नफरत जो है वो फैला रही है। तो हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। अच्छे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं और हमें अच्छे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी इसके बारे में आप क्या समझते हैं दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वस्सलाम।